हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। गाइस, कैसे हो आप सब? एंड आई होप आप सब की होली बहुत ही अच्छी गई होगी, अच्छे से आप सब ने इंजॉय किया होगा। एंड गाइस, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उन सबको इंजॉय किया करो, ठीक है? चाहे कुछ देर के लिए करो, कम टाइम के लिए करो, ये नहीं है इतना इंजॉय कर लो कि बीमार पड़ जाओ या फिर पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो। लेकिन फेस्टिवल का टाइम ऐसा होता है ना जब हम सब कुछ भूल के ना अपना इंजॉय करते हैं, ठीक है? एक लोड सा निकल जाता है, तो अच्छे से अपना एंजॉय किया करो, चाहे आधे घंटे के लिए किया करो बट ब्रेक लिया करो, ठीक है? ये इतना भी गुस्सा मत हो जाओ पढ़ाई में कि पढ़ाई 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 की हर चीज़ भूल जाओ। हर चीज़ को एंजॉय करो, सबको अपना टाइम दो, ठीक है? बाकी गाइस, आज मैं इस वीडियो में मैट्रिक्स की आपको एक लिए एक्सरसाइज लेके आई हूँ, ठीक है? तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स, और ये जो है मैट्रिक्स, ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है? दिखने में तो आप देख सकते हैं कितना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा होगा, और जो नए बच्चे आते हैं ना एसएससी की तैयारी करने, उनके लिए तो ये इतना ऐसा हुआ सा बन जाता है कि वो देख के कहते हैं अरे बाप रे बाप, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा हमसे, है ना? क्योंकि वो देख के डर जाते हैं। लेकिन सच्ची बताऊँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फ्री के मार्क्स दिलवाता है, ठीक है? चाहे वो एक नंबर का है चाहे वो दो का है, तो ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है, और सिर्फ आपको उसमें आंसर मार्क करके आना है, ठीक है? तो अब हम आज करेंगे मैट्रिक का क्वेश्चन, जो कि आपको मैं आपको बता दूंगी, दो क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद में आपका मैट्रिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन ही ऐसा है, ये टॉपिक ही ऐसा है जो आपको फ्री के मार्क्स दिलवाता है। तो गाइज, ये देख लीजिए, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है। ये देखिए कितना बड़ा लग रहा होगा ना देखने में, यार ये क्या क्वेश्चन हो, बाप रे बाप, हाँ है ना? लेकिन ट्रस्ट मी, इससे ईजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो गाइस, अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। ये देख लीजिए, तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो आपकी बनती है, मैं आपको बता दूं, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ये है आपकी रोज, ठीक है, और ये है आपके कॉलम्स, ओके? अगर हम कुछ भी जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमें देखना है कि 21 आपके पास कोड दिया हुआ है, ठीक है? तो 21 किस अल्फ़ाबेट का कोड है, आपको कैसे पता चलेगा? तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से नीचे 2, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे 21, ये आ गया आपका A, ये आपका हो जाएगा गलत। जब भी हम एक मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे कैसे कि पहले हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे हम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। अगर आपको 21 का कोड देखना है तो किस तरीके से देखेंगे, हम गए 21, 2 पे गए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया देखना, ठीक है, हम रुक गए 1 पे, ऊपर 1 से नीचे आए, देखा कि 21 का जो है कोड, 21 जो कोड है, ये लेटर जो है अल्फ़ाबेट N के लिए है। सिमिलरली ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस में ढूंढेंगे, और कैसे क्या होगा अब हम देखते हैं, ठीक है? एक बार हम क्वेश्चन पे नज़र मार लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे आता है आपका, देख लीजिए। ये आएगा आपका क्वेश्चन, अ वर्ड इज मेंशन ओनली बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है आपका क्वेश्चन में, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो इसमें एक यहाँ पर दिया रहेगा, अ लेटर कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग नंबर ऑफ रोज एंड देन नंबर ऑफ कॉलम, एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कि पहले रो लेनी है, कॉलम लेना है, किस तरीके से पढ़ना है। जैसे इसमें क्या लिखा है, ए कैन बी डिफाइंड बाय 0, 0, 1, 2, 2, 3। अब 0, 0, 1, 2 और 2, 3 देख लेते हैं, ठीक है? 0, 0 तो ए आ ही गया, ठीक है? अगर आप 2, 3 लेंगे तो आप देख लीजिए, अगर 2 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2, 3 पे आ रहा है आपका एन। तो आपको पता चल गया हम पढ़ना कैसे है, पहले यहाँ से और फिर यहाँ से। तो 2, 3 हम कैसे पढ़ेंगे, अगर आपके पास 23 दे रखा है तो हम पढ़ेंगे ऐसे कि सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से ऐसे 2, ठीक है, और ऊपर से 3, ये देख लीजिए, ये आपका आपका ए। तो आपको कंफर्मेशन मिल गई कि हमें ऐसे ही पढ़ना है, पहले यहाँ से जाएंगे फिर ऊपर से नीचे हम पढ़ेंगे। तो गाइज, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, ये आपको मैंने ऊपर लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं बार बार स्क्रॉल डाउन करूँगी तो मेरे को भी दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी पढ़ने में और समझने में, ठीक है? अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, मैं राइट में लिखा हुआ, ये पास्ट, पास्ट के नीचे कोड्स लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है? आपको कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें टिक करके आना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है पास्ट के लिए। अब आप कैसे करेंगे इसको, अब आप देख लीजिए, आपने देख लिया ये पास्ट है, ठीक है? तो क्या होता है पास्ट, मतलब कि
कि पी इसको डिनोट करना चाहिए, ए इसको, एस इस कॉम्बिनेशन को, टी और इस कॉम्बिनेशन को। तो हम चेक कर लेते हैं 75 के लिए। पहले हमने 75 चेक करना है, तो ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स में 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, तो 75 तो है ही नहीं इसमें, है ना, 7 तो है ही नहीं। अब हम 7 और 5 हमें कहाँ मिलेंगे, मैट्रिक्स 2 में। तो हम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे मैट्रिक्स 2 में। 75 का हम कोड देखते हैं, 75 कहाँ कौन सा अल्फाबेट बनाता है। मैंने आपको बोला था ऐसे हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो हम 75 के लिए जाएंगे यहाँ से लेफ्ट टू राइट, गए इधर 70, हम वहीं रुक जाएंगे जहां आपको 5 दिखे। ऊपर से नीचे आओगे P, आपको P मिल गया, ठीक है, पास्ट का P तो मिल गया। अब हम देखेंगे 21। अब 21 के लिए सिमिलरली 2, गए इधर, हमने देखा 1 कहां से चालू है, ऊपर से, है ना, तो यहां पर रुक गए। पर अब हमारा यहां पर आ गया N, तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि A आना चाहिए आपका लेकिन आ रहा है N। तो आपको आगे का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको यहीं पर कैंसिल कर दो कि हाँ ये मेरा ऑप्शन नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे 86, 12, 31 और 76। अब हम देखेंगे 86, क्या 86 जो है वो P बना रहा है। तो अब हम गए इधर से लेफ्ट टू राइट 8, ये गए यहाँ पहुँचे, ठीक है। अब देखेंगे 6 है, तो 6 का यहाँ पर है, तो ऊपर से नीचे आएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से चलेगा हमारा, ये गया ऐसे, ठीक है, और ऊपर से हम 6 से नीचे आए, ये इस तरीके से जहाँ ये मिलेंगे वो आपका वर्ड 86 बनाएगा। तो हमने देखा हाँ पी बन गया है। फिर हम चलेंगे 12 पे, 12 के लिए अब कैसे ढूंढेंगे हम, 12 के लिए हम जाएंगे यहाँ से, ये इधर से गए ए पे रुके, ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 है, ऊपर से नीचे आए, यहाँ हो गया ए, हमें मिल गया, ए भी मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या 31 एस बनाता है, तो यहाँ से हम गए इस साइड, ठीक है, 3, और ऊपर से नीचे आए 1, यहाँ रुक जाएंगे, एस भी आ गया हमारा, पास्ट का पी ए एस हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे 76 के लिए, क्या 76 हमारा टी बनाता है, तो यहाँ 76 मिलेगा हमें मैट्रिक्स 2 में। हम इधर गए, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से राइट गए, फिर हम ऊपर से नीचे आए और ये मिल गया आपका टी भी हमें, ठीक है, 76 हमारा टी बना रहा है। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन सेकंड है वो हमारा ट्रू हो गया। अब ऑटोमेटिकली 4 में से एक ही ठीक होगा, तो ये भी आपका गलत, ये गलत और ये गलत, ये फर्दर चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपको आपको कॉम्बिनेशन मिल गया है सही वाला, तो आपको चेक करने की ज़रूरत क्या है आगे, है ना। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको ढूंढना है पोएट के लिए, पोएट के लिए इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है, तो आप कैसे चेक करेंगे पॉइंट के लिए। अब पहला दे रखा है आपको 69, ठीक है, पी 69 बनाना चाहिए, तो 69 को पी बनाना चाहिए। तो हम यहाँ से गए लेफ्ट टू राइट 69, 9 ऊपर देख लीजिए कहाँ पर है, इधर से हम इधर गए और 9 ऊपर से नीचे आए, तो हमने देखा पी, पॉइंट का पी तो हमें मिल गया। अब क्या 88 ओ बना रहा है, सिमिलरली ऐसे गए हम, ये देखिए, ठीक है, हम यहाँ स्टॉप हो गए क्योंकि 8 वापस यहाँ पर है, 8 से हम नीचे आएंगे, ओ हमें ओ का भी कॉम्बिनेशन मिल गया। अब हम आएंगे 67, क्या 67 ई बना रहा है, हम सिमिलरली यहाँ से चलेंगे, गए ऐसे लेके गए, 7 ऊपर से नीचे आए, तो हाँ हमारा ई भी बना रहा है। फिर हम आएंगे 65, क्या हमारा 65 टी बनाता है, यहाँ हम गए ऐसे और 5 से नीचे आए हम, तो हमारा टी भी बना रहा है। तो गाइज ये देख लिए, हमारा पहले में ही पहले ऑप्शन ही ठीक हो गया, तो हमें नीचे के क्वेश्चन, नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो चेक करने की ज़रूरत नहीं और अपना टाइम ख़राब करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका, इस तरीके से आपका हमेशा मैट्रिक्स को आप पढ़ेंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैट्रिक्स हमेशा सॉल्व कैसे होगी, पहले हम यहाँ से लेफ्ट से राइट और फिर ऊपर से नीचे, मान लो आपको दे रखा है 12 का, तो 12 मतलब ये जो है, मतलब अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सबसे पहला यहाँ से ऐसे जाना है आपको, ठीक है। तो 12 के लिए पहले 1 से इधर जाएंगे और फिर 2 के लिए ऊपर से नीचे आएंगे, तो जो हाँ जहाँ भी मिलेगा वो आपका लेटर हो जाएगा 12 के लिए। तो इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन करने हैं। आप आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, आप देख लीजिए
सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी वीडियो देखते हुए मेरी वीडियो को पॉज करना है, इन क्वेश्चंस को जो है ये मैट्रिक्स आपको उतारनी है, ठीक है। दो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस करा दिए हैं पोएट का, ठीक है, और पास का। अब आपको नीचे देख लीजिए, ये आप अपनी नोटबुक्स में उतारिए, रेट, नेट और पेस्ट, ठीक है, ये आप उतार लीजिए नोटबुक में और यहाँ से अपना क्वेश्चन कीजिए और ये कि कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है और वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको पता चल, अब इतने दो से तो आपको समझ आ ही गया होगा आपको सॉल्व कैसे करना है, तो बाकी आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए है, ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, दो मैंने कॉम्बिनेशन करा दिए हैं, अब ये वाला कॉम्बिनेशन आपको खुद करना है, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं और मैं आपको एक खुद कराऊंगी, खुद से ही बना के, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उसको, जब तक कि आप ये देख लीजिए और अपनी नोटबुक्स में उसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये है आपकी मैट्रिक्स वन और ये मैंने बना दी मैट्रिक्स टू। हम वैसे ही करेंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 का करके, तो मेरे साथ साथ आप बनाते रहिए, ठीक है। गाइज ये मैं मैट्रिक्स इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं साथ साथ ही क्वेश्चन बताती रहूँ, ठीक है। उसमें से मेरे को स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा, इसमें मैं आपको साथ साथ बता के यहीं बता दूंगी, ठीक है। तो नीटनेस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान ना देके क्वेश्चन समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हमने बना दिए दो मैट्रिक्स और अब मैं इसमें नंबरिंग दे दूंगी क्या क्या इसमें लिखना है, ठीक है। आप साथ साथ लिखते रहिए, वरना आप ज़रा इस वीडियो को जितने मैं बनाऊंगी उसमें पॉज करिए और फिर वापस देखना शुरू करिए, ठीक है। ये डी है, ये ई है, ये F है, I N D E F, नीचे INDEF, मैं आपको एक ही मैट्रिक्स से करके बता दूंगी क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा भी इसमें समझ आ जाता है तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद ही कर लेंगे। अब आपको किसका कोड बताना है इसमें, इसमें आपको मान लो मैं आपको एक कोड दे देती हूँ खुद से ही, ठीक है। सबसे पहली चीज 21, 41, 42 एंड मैं आपको देती हूँ 31। सबसे पहली चीज तो आप ये चेक कीजिए ये कोड किसका है, 21, 41, 42 और 31। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें आपको कैसे चेक करना है, 21 के लिए हम जाएंगे लेफ्ट से राइट, ठीक है। हम गए 2 से हमने लिया और 1 पे हम रुक गए, तो हमने देखा F, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया F।
अब हम 41 का चेक करेंगे। 41 के लिए हम वही सिमिलरली लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हम गए लेफ्ट से राइट, इधर गए, ठीक है, 4 और 1 यहाँ पर हम रुक गए आई। तो आपने देखा 41 जो है ये आई का कोड है। अब हम देखेंगे 42 के लिए, सिमिलरली यहाँ से गए हम, ऊपर से 2 आया, यहाँ पर हम रुक गए, 42 है आपका एन के लिए। अब 31 देखेंगे, 3 यहाँ से गए और 1 कहाँ है आपका, ये रहा 1 पे रुक गए, तो डी। तो ये जो आपका कोड है ये है फाइंड के लिए, ठीक है, फाइंड के लिए ये कोड है। तो इसी तरीके से गाइज आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो सारे ऐसे ही होंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करिए। 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी ढंग से प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। बस आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, पहले आपको लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, फिर ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ठीक है। 31 के लिए पहले 3 वाली यहाँ से पढ़ेंगे और फिर 1 ऊपर से जो नीचे आ रहा है वहाँ रुक जाएंगे, जहाँ भी ये मिलते हैं वही आपका अल्फाबेट उसका कोड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ऊपर वाली ये आपने नोट कर लिए होंगे और आप देख लेंगे इसमें आपका क्या बन रहा है, क्या ठीक है या नहीं है कोई भी कॉम्बिनेशन, तो उसके हिसाब से आप इसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बस इसमें इतना ही था कि आपको कैसे करना है, तो ये था। और अगर हाँ, अगर ये इसमें क्या करना है आपको, अगर कोई क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बता दी, क्वेश्चन में हिंट दे रखा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको दिया होता है कि ए की कोडिंग जो है वो 0012 13, तो आप उससे भी देख लेंगे, उससे भी चेक कर लेंगे कि यहाँ कैसे बन रहा है, या हमने ऐसे ऐसे पढ़ा है उसको या ऐसे से ऐसे। पर मोस्ट प्रोबेबली जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ऐसे ही पढ़ा जाता है, लेफ्ट टू राइट, फिर टॉप टू बॉटम, और फिर जहाँ मिलते हैं वो वर्ड जो वो होता है लेटर, वो आपका कोड होता है उसका, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, इसमें इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आई होगी एक्सरसाइज और आप अच्छे से अब कर लेंगे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आगे और भी क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, ठीक है। बाकी थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।